आज का मिस वैलेंटाइन तो जीरी मिस है। वैलेंटाइन वैलेंटाइन क्या मिस, क्या हाल हो गया आपका? बच्चों ने क्या कर दिया? बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे स्कूल के जीबीबी में क्लास 10 के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। तो फेयरवेल पार्टी क्लास 9 स्टूडेंट्स दे रहे बच्चों को, तो उसी की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, सारे बच्चे एक्साइटेड है फेयरवेल पार्टी मनाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, बाय। तो यहाँ पे बैलून से बैलून सब देख सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है, और ये सारा डेकोरेशंस जो है हमारे बच्चों ने किया है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे लिखा है फेयरवेल फॉर क्लास 10 केजीबीवी सैरन। तो वाकई हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, और इन्हें सब कुछ आता है कि कहाँ पे कैसे करना है, किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, कैसे डेकोरेशन करना है। इन्हें बोलने का ज़रूरत ही नहीं, ये खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, इन्हें पूरा नॉलेज है। तो ये सारे हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, अभी ये लोग बैठे हुए हैं प्रोग्राम स्टार्ट करने का, वेट कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे बच्चे, तो चलो मैं आप सबको यहाँ पीछे से भी दिखा दूँ। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है जो कि बच्चों ने किया है, वाकई खूबसूरत है। पर यहाँ हमारी मैडम सारी बैठी हुई है, चलो मैं आप सबको मिला दूँ। हमारी नीतू मैम, पूजा मैम, लिपिका मैम, उधर दगजुम मैम। तो आप सबने तो देख ही लिया कि किस तरीके से हमारे बच्चों ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो बस अभी थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये है एलिजाबेथ, ये क्लास 9 की स्टूडेंट है, तो आज का प्रोग्राम यही होस्ट करने वाली है। चलिए इनसे जानते हैं कुछ कुछ। बता दो एलिजाबेथ आज के बारे में। अच्छा, क्लास 9 स्टूडेंट क्लास 10 को फेयरवेल दे रहे हैं ना? ठीक है, हाय कर दो। हाय। तो ये सारे क्लास 9 के स्टूडेंट है, ये लोग ही क्लास 10 के स्टूडेंट को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं ना? हाय। तो ये सारे हमारे क्लास 10 के बच्चे, आज इन लोगों के लिए ही फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। चलो एक बार फिर सब लोग हाई कर दो। तो ये है हमारी हेडमिस्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हमारी हेडमिस्ट्रेस, हमारी बॉस, स्पेशली मेरी फ्रेंड भी है, सिस्टर भी है, शी इज एवरीथिंग टू मी। और यहाँ बैठी हमारी नीतू मैम। हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ये सारे फ्लावर्स जो हैं अपने हाथों से बनाए हैं बच्चों ने। और यहाँ हमारे सर बैठे हुए हैं, ची लोम्बु सर। और इधर है हमारी ब्यूटीफुल जीरी मिस। और यहाँ अभी हमारे बच्चों का स्पीच चल रहा है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये सारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो सॉन्ग है वो लोग अपनी सीनियर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। ये उन लोगों का तरफ से अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल सॉन्ग है।
राजा करे फिर वही शरारते, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होगी अब यारी यारिया, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारिया, अब हंसते हंसते यू ही ले खुशियां वारिया। First of all, I want to say thank you all of you for giving me an opportunity to here. Secondly, I want to say thank you to all of my teachers who have been teaching me and giving me knowledge since class 6. When I enrolled in this school and began to study, I felt I'm lucky because never in my life I met teachers like you. You were different from other teachers because some teachers just teach books, lessons and do their duty, but you teach syllabus as well as encourage students for study and hard work and teach discipline and not to give up in life. In this year, we will have so I want to suggest all of you, all of us, even your sisters, to give and take respect for to each other and maintain discipline. Thank you. And now, Rumita Ji. For my about my feeling regarding my teachers, friends and sisters. सबसे पहले मैं अपनी teachers को पिता अच्छा से बोलो क्योंकि मुझे class के पढ़ाया, discipline सिखाया, knowledge दिया, साथ ही मुझे जिसके थ्रू हम आज मेरी पर्सनैलिटी में मेरी रेस्पेक्ट जगह है। मेरे लिए तो टीचर पेरेंट्स के बराबर है। बच्चा ये स्पीच देते देते बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है, ये खुद तो इमोशनल हो रही है और सारी टीचर्स को भी इमोशनल करा रही है, सब दुखी हो रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर। हर समय अब लोग हमारे फ्यूचर को ब्राइट कराने के लिए एनकरेज करता है। टीचर नहीं होता तो स्टूडेंट का लाइफ अधूरा रहता और कहे तो आप लोग जैसे टीचर मेरे लाइफ में बड़ा मिल पाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ माय टीचर्स। और मैं अपने दोस्तों के बारे में भी कहना चाहती हूँ, नॉलेज सिर्फ टीचर्स या फिर बड़े से ही नहीं मिलता, ऐसे कोई चीजें हैं जो दोस्तों से भी मिल जाते हैं। उनके हर अच्छा कामों से इंस्पायर हुआ और मैं अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सका, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। और मेरे भी कोई ऐसे फ्रेंड है जो मेरी हर वर्क और हर साथ या हर पर ऐसा भी कोई है जो मेरे हर बात को इग्नोर कर देते हैं, शायद मैंने भी उनके साथ गलत किया और फिर उनको माफ कर दे। बच्चों ने ऐसा स्पीच दिया कि सबको रुला दिया।
हल्का में ले लेते। यहाँ सब रो रहे ऐसा करता है उसे कुछ असर ही नहीं होता, पर वो जिसको करता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हर सीनियर चाहते हैं कि जूनियर सीनियर के पास उसका फल ज्यादा नॉलेज या समझता भी होता है। कोई भी नहीं मिल रहा है बाहर काम करना बच्चा ने रुला दिया ना मिस, बच्चा ने रुला। यहाँ हमारी नीतू में भी बहुत ज्यादा रोई, रोहिता ने सबको रुला दिया। Now we are going to start welcome dance. Come dance by Pallavi Devri. Please welcome. Wonderful dance. Please everyone clap for her. अभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स सारे अपने सीनियर्स को गिफ्ट प्रेजेंट करने वाले हैं। ये क्लास 10 का तरफ से हमारे हेडमिस्ट्रेस के लिए बच्चों ने दिया है, क्लास 10 के बच्चों ने।
आज जो है 14 फरवरी है और सभी को पता है 14 फरवरी मीन्स वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन में ही हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी रखा है। तो यहाँ हमारी मैडम जो है रेड ड्रेस रेड बैलून्स के साथ पिक्चर्स ले रही है, तो इनको छेड़ना तो बनता ही है। आज का मिस वैलेंटाइन तो जीरी मिस है। वैलेंटाइन वैलेंटाइन बहुत ही सुंदर अति सुंदर देखिए